यार रश का तो वही सीन है, ये रश खत्म होने वाला नहीं है इस सीजन में। हर साल हमें इसी तरह यहाँ पे रश देखने को मिल रहा होता है। इंतहाई ज्यादा रश है। ये माल रोड से हम 5 मिनट की वॉक पे, तो ये ट्रैफिक का रश लेकिन दोपहर के टाइम भी हमें देखने को मिल रहा है। मैम थोड़ा सा साइड पे होइएगा, थैंक यू। यार ये देख लें आप, हाई ज्यादा रश है यार, इतनी गाड़ियां कहाँ जाएंगी, पार्किंग का क्या निजाम है। असल में मरी सिटी तो है ही छोटी सी, तो किस तरह मैनेज हो रहा है। सर जी थोड़ा सा साइड, बहुत ही ज्यादा क्राउड है यार। आगे माल रोड पे भी हमें इसी तरह रश देखने को मिल रहा होगा। अच्छा यार ये करीबी पार्किंग सिस्टम भी है, देखें अर्जी पार्किंग का आई थिंक ये 500 रुपये लेते हैं, रात की फिर ज़्यादा भी लेते होंगे। तो ट्रैफिक के साथ साथ लोग बेचारे पैदल चलना शुरू हो चुके हैं, जो लोकल लोग हैं जिनकी अपनी गाड़ियां नहीं हैं, तो जिनकी अपनी गाड़ियां हैं वो तो स्ट्रक ही होके रह गए हैं। यार आज तो बाइक क्या बंदे भी मुश्किल से गुजर रहे हैं, आप देखें आज तो बहुत ही ज्यादा रश बन गया, बहुत ही ज्यादा इंतहाई रश बन गया यार। माल रोड के हम काफी करीब पहुंच चुके हैं लेकिन बहुत बुरे तरह स्ट्रक हो गया हूँ मैं, ये देखें कोई रास्ता ही नहीं बच रहा। हमारी माल रोड इधर गड़ों गड़ पड़ी हुई है और बहुत रश है यार, इंतहाई रश है। भाई ये बाइक है, इसको क्या पार्क करें, यही पार्क भी है, इसको क्या करेंगे पार्क करके। शायद जैसा कि आपने इंट्रो क्लिप्स में देखा आपको अंदाज़ा हो जाएगा, हो चुका होगा, काफ़ी ज़्यादा रश, काफ़ी ज़्यादा क्राउड। यकीन करें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो जलील हो रही है। असल में पार्किंग का कोई इतना अच्छा निज़ाम नहीं है ना यहाँ पे, ये जो चौक है जीपीओ चौक है, यहाँ पर आके टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई ये तो एंडिंग पॉइंट है, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, कहाँ जाना है। लेकिन माल रोड यहाँ से शुरू होता है, लेकिन यहाँ से माल रोड पे गाड़ियों को अलाउ नहीं किया जाता, बाइक्स को भी अलाउ नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आके आपको ऐसा होटल चूज़ करना होता है जिसकी अपनी खुद की पार्किंग हो और इसके अलावा अच्छा होटल हो, तो बड़े मसाइल हैं टूरिस्ट के लिए। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम मैनेज करेंगे, मैं हूँ एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट, इंशाल्लाह इन चीज़ों को मैनेज करेंगे। बाकी चलते हैं माल रोड के और भी क्लिप्स में आपको प्रोवाइड करता हूँ। आज काफ़ी हॉट सा वेदर है, असल में जो है वो मानसून का जो सीज़न है वो अभी कंप्लीट स्टार्ट तो नहीं हुआ, स्टार्ट होने से पहले उसके असरात हमें हाल ही दिखे हैं। आपने रिसेंट एपिसोड्स के अंदर देखे होंगे उसके असरात, काफ़ी खूबसूरत तरीन फोगी सा वेदर हमें देखने को मिला था, लेकिन आज कम्प्लीटली सनी वेदर है। आप देख सकते हो हर तरफ जो है वो धूप ही हमें देखने को मिलती है, तो काफ़ी हॉट सा वेदर है। चलते हैं आगे माल रोड के, मैं और भी क्लिप्स आपको प्रोवाइड करता हूँ। यार जितनी आवाम आ रही है ना इतनी गुंजाइश नहीं है अमरी के अंदर, पता नहीं ये लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, अल्लाह इस निज़ाम को मैनेज कर रहे हैं, वैसे कुछ समझ नहीं आ रही।
असल में छोटी सी सिटी है, लिमिटेड से ही होटल्स हैं, तो होटल्स में तो इतने लोग नहीं रह सकते। कई दिनों से ये रूम्स भरे पड़े हैं, कोई होटल भी है तो उसके दो या तीन रूम्स ही खाली होंगे, बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट रूम्स फिल अप हुए पड़े हैं। यार आज तो इंतहा का रश है, इंतहा का। ये देखें, माल रोड पे चलने की जगह नहीं बची, इतना रश। और इसके अलावा हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, हरीत से। अच्छा वो पत्रेटा चेयर लिफ्ट का पत्थर है, खुली है नहीं? चेयर लिफ्ट नहीं बंद है, केबल कार बंद है, केबल बंद है। आएंगे आएंगे अच्छा, केबल बंद है और दूसरी खुली है। अच्छा यार, यहाँ पे एक ये ड्राइवर भाई थे, इनका अपना चैनल भी था, ये जाते रहते हैं चेयर लिफ्ट पे, तो चेयर लिफ्ट की अपडेट है आपके लिए कि चेयर लिफ्ट खुली है लेकिन जो केबल कार है वो बंद है। इनका खुद का भी चैनल है, मैंने कह रहा था आए आपको मैं अपनी ऑडियंस से मिलवाऊँ लेकिन नहीं आ सके, ये कैमरा को फेस नहीं कर सके। तो ये यहाँ पे इनकी अपनी गाड़ी है, टूरिस्ट को ये फैसिलिटेट करते हैं। आई थिंक कैरी बॉक्स वगैरह इनके पास होगा, ये यहाँ से गिलियार टूरिस्ट को लेके जाते हैं। इसके अलावा चेयर लिफ्ट वगैरह पे जो हमारी अपनी चेयर लिफ्ट है, बल्कि पाकिस्तान के हर शहर के लिए इनकी गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। इनका अपना मरी के रिलेटेड यूट्यूब चैनल भी है। बहुत ही ज्यादा क्राउड है यार। ये रिंग मेरा फ्रेंड भी बना सकता है, आपने देखा होगा फ्लावर्स का एक व्लॉग में मेरे फ्रेंड ने ये रिंग बनाया था। यार माल रोड का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिस जो हमें टूरिस्ट से खाली देखने को मिले, टूरिस्ट से फ्री देखने को मिले, लेकिन ये जो सामने जगह है ये आपको खाली देखने को मिल सकती है क्योंकि ज़बरदस्त किस्म की धूप यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ज़बरदस्त किस्म की जो है वो गर्मी है, अभी यहाँ पे कोई बैठ नहीं सकता, लेकिन शाम में यहाँ की सिचुएशन ऐसी होगी कि यहाँ पे हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, बहुत रश होगा, बहुत क्राउड होगा, लेकिन अभी इतना कोई ऐसा सीन नहीं है। जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बहुत सारे लोग ना रूम्स के रिलेटेड डिस्कशन करते रहते हैं, तो देखें हमने ना यहाँ पे बहुत सारे होटल्स जो हैं वो आप लोगों के लिए रिव्यू करके रखे हैं। हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें से ना आप चल के जो है वो डिफरेंट रूम्स देख सकते हो, लेकिन वो प्लेलिस्ट चेक करके ना बड़े गुस्से में हो जाता है टूरिस्ट, वो कहता है यार आपने रूम रेंट नहीं गाइड किया। तो देखें गुस्से में होने की बात नहीं है, असल में यहाँ पे हम रूम रेंट बता नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। आज अभी यहाँ पे ना लेट्स सपोज 10,000 रूम रेंट देखने को मिल रहा है, और ये अगर रश खत्म हो जाए ना तो कल यहाँ पे 1500 रुपये में भी रूम्स हमें देखने को मिलेगा। 1500 और 10,000 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये रश क्राउड पे जो है वो बेस करता है। यहाँ का रूम रेंट वेरिएबल है, वेरी करता है, जो फिक्स नहीं है, तो हम कैसे रूम का रिव्यू जब कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम कैसे रेंट्स बता सकते हैं? उस टाइम पे कुछ और होगा, अभी कुछ और होगा, इस तरह हम रेट्स नहीं बता सकते। आपको जो प्लेलिस्ट से ना रूम दिख जाता है, पसंद आ जाता है, समझ में आ जाता है, उसका उस वीडियो का ना आप स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके वो जो है वो स्क्रीनशॉट मुझसे शेयर कर दो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में आके, तो मैं उस रूम को देखूंगा वो कौन सा है, उसका करंट जो इस टाइम पे रूम रेंट होगा वो पता करवा के आपको दे दूंगा, और आपकी बुकिंग वगैरह भी सिक्योर करवा दूंगा। इस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बाकी रिव्यू के टाइम में नहीं बता सकता क्या रेट्स वगैरह है। और इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता चलूँ ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आई होगी,
मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। यूनिवर्सिटी से अभी अभी आए, दोपहर का खाना भी अभी नहीं खाया, तो थकावट की वजह से मैं इस ब्लॉग को यहीं तक रखना चाहूँगा। असल में हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी सेमेस्टर एंडिंग पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, तो हर टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली काफ़ी ज़्यादा वर्क दे रहे हैं, तो एक तो वर्क लोड भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए थकावट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बाकी उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी, इसमें मैंने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। ये अभी मैंने आपको रूम रेंट भी बताया, मैं ऐसा कहा ना अभी अगर 8-10 हज़ार रूम रेंट है तो हो सकता है कल 1500 भी हो अगर रश ख़त्म हो जाता है। तो अभी यहाँ पे 8 से 10 हज़ार, 7 हज़ार इस रेंज में हमें डिफरेंट रूम्स देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू।